तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। बहुत ध्यान से देखिए, यह तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें क्या दिया, फार द फॉलोइंग ए पीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। बस हमने तो भैया जाना कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो हम उसे ए वन से डिनोट करते हैं, और बेसिकली जो स्टार्टिंग होता है उसी से हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग ऑफ सीरीज को बोलिए आप लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बस हम प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, ठीक बच्चों। तो चलिए भैया, पहली आपकी सीरीज दी है 3, -1, -3। यहाँ पर इसका ए वन क्या होगा, सॉरी इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बोलिए आप लोग। हाँ बस इसका फर्स्ट टर्म तो यही होगा कि नहीं, स्टार्टिंग वाला टर्म 3 है। और डी कैसे निकालना है, डी निकालने के लिए भैया आप लोग को क्या करना रहेगा, ए टू में से ए वन माइनस करना रहेगा। तो क्या होगा, ए टू बताइए क्या है, 1 है, और 3 कितना, सॉरी ए वन कितना है आपका, 3 दिया। तो यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। बस हमने ए को कंसिडर कर लिया, और क्या कर लिया, हमने ए वन को कंसिडर कर लिया, यानी फर्स्ट टर्म को भैया निकाल लिया। तो देखिए आप लोग चाहें तो भैया यहाँ -3 और -1, यहाँ से भी अगर डी निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, बेसिकली सेम आएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हमारी कोई सीरीज एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, हाँ हमेशा सेम होता है। तो बेसिकली हम ए टू में से ए वन ही माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि आसान रहता है, यहाँ स्टार्टिंग से माइनस कर दी। चाहे तो आप लोग भैया इसको, चाहे इसको माइनस करिए, चाहे इसको माइनस करिए, वो आप पे डिपेंडेंट फूल है, ठीक बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक तरह और क्या है, सेकंड एग्जांपल की -5 दिया है, -1 दिया, 3 दिया है, और 7 दिया है। तो इसका ए वन फर्स्ट टर्म बताइए कितना होगा, आप लोग बोलिए बच्चों, हाँ बहुत सही आपका -5 होगा। डी कैसे निकालेंगे, बस ए टू माइनस ए वन निकालेंगे। ए टू क्या है, -1 है, ए वन क्या है बेसिकली बच्चों, -5 है। तो आपकी बेसिकली वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल आसान है कि नहीं, हाँ बहुत आसान बच्चों। तो देखिए उसी प्रकार बच्चों इसका निकालेंगे कि नहीं बोलिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन तो भैया मैं सब करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका माइंड शार्प होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा मैथ आपको आएगा, ठीक बच्चों। बस इसमें भी तो ए वन क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/3 होगा, इसमें 0.6 होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस करके निकालेंगे। तो माइनस तो भैया हम लोग कर ही लेते हैं कि नहीं, हाँ ना बोलिए बच्चों, हाँ बिल्कुल। आज के लिए धन्यवाद।